आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। शराबबंदी की पोल खोल की तस्वीर, एक शराबी युवक ने जमकर प्रशासन को किया गाली गलौज। शराबबंदी को लेकर जहां कई राजनेता सवाल उठा रहे हैं, वहीं अब इसको लेकर पुलिस वालों का भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। आज ऐसा ही एक वाक्या हुआ शहर के इशाकसिक थाना क्षेत्र के भीखनपुर गुमटी नंबर 2 स्थिति 3 मूर्ति चौक के पास। एक घंटे से भी अधिक समय से एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ था। आसपास के लोगों के द्वारा उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया था। वहीं पुलिस लाइन के एक सिपाही वहां पहुंचे और उसे पहले लात मारकर उठाने प्रयास किया। वहीं जब वह व्यक्ति नहीं उठा तो पुलिसकर्मी गुस्से में आकर सरकार को गाली देते हुए कहने लगा कि घर घर शराब मिल रही है और हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। सिपाही का नाम विनोद कुमार है, जो पुलिस लाइन में अपने आप को पदस्थापित बताया है। सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में जब शराबबंदी को सख्ती से पालन कराने वाले पुलिस के जवान ही सरकार के खिलाफ इस तरह के का शब्द का प्रयोग करेंगे तो समझा जा सकता है। लेटा हुआ है, क्या लग रहा है आप लोगों को देखकर? ये तो शराब पिया हुआ है, आधा घंटा से लेटा हुआ है। क्या लगता है शराब खुलेआम मिल रहा है क्या? ये तो उसी को ना पता चलेगा होश आने के बाद, मिलता है कहाँ से, मिलता है कहाँ पिया। एक घंटा से पड़ा हुआ है? हाँ, आधा घंटा पौने घंटा से है लगभग। पुलिस गाड़ी तो आ जा रही है, कोई उठाने वाला नहीं? पुलिस गाड़ी तो अभी नहीं आई है, नहीं देखे हम लोग। देखे गई कैगो? हम तो नहीं देखे पुलिस गाड़ी। उठाना चाहिए कि नहीं? हाँ, उठाना चाहिए बिल्कुल। काहे कि शराबबंदी पर रोक है, तो यहाँ तो शराब पी करके सोया हुआ है, तो उसका तो यह होना चाहिए। क्या नाम हुआ किसका? नाम आपका? मेरा नाम है सुबोध गुप्ता। खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24x7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। सब पर नजर, सबकी खबर।